रहे हैं 22 तारीख को यहीं पर रामलला विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की योजना यह है कि प्रत्येक लोकसभा सीट से श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शनों के लिए भेजा जाएगा। एक लोकसभा सीट से 6000 वॉलेंटियर्स होंगे और सभी 29 लोकसभा से जाएंगे वॉलेंटियर्स। फरवरी से मार्च तक ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। ये सभी लोग पार्टी के लिए चुनाव में काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। अगर सियासत के नजरिए से हम देखें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलने वाला है। तो 22 जनवरी को होने जा रहे इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल है। उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा ये बहुत पुराना सपना है, करीब 550 सालों का संघर्ष है और अब सपना साकार हो रहा है तो मध्य प्रदेश इसमें कैसे पीछे रह सकता है। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा, ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। पांच लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। तो महाकाल प्रबंधन समिति की ओर से 5 लाख लड्डू बनने का यह काम शुरू भी हो चुका है। 250 क्विंटल लड्डू बनवाए जा रहे हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स, बेसन और शुद्ध घी का उपयोग किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लड्डू बनाने में 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और आपको दिखाते हैं, देखिए इन लड्डुओं को देखकर तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। रामलला को ये लड्डू प्रसाद के रूप में भेज जाएंगे महाकाल मंदिर की ओर से। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में ये प्रसाद लड्डू के तौर पर तैयार हो रहा है जिसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जा रहे हैं, बेसन है और शुद्ध देसी घी का स्वाद आपको इसमें जरूर मिलेगा। और जहां ये लड्डू तैयार किए जा रहे हैं वहां हमारे सहयोगी अजय पटवा पहुंचे, जायजा लिया, दिखाते हैं आपको उनके घर को। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपने साथ में भगवान महाकाल को चढ़ने वाला लड्डू लेकर जाते हैं और यही लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इसी के चलते अब यह लड्डू की जो यूनिट है यहाँ पर लड्डू तैयार किए जाते हैं, यहाँ से ये लड्डू बनकर तैयार होंगे और मध्य प्रदेश शासन के अनुसार जो राम जन्मभूमि है यहाँ पर राम भगवान की स्थापना होनी है उस दिन इन लड्डुओं को जो वहाँ पर बांटा जाएगा 5 लाख लड्डुओं को तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ में 5 लाख लड्डू का तो चैलेंज है ही महाकाल प्रबंधक समिति के पास। इसी के साथ 5 लाख लड्डू के साथ साथ 5 लाख जो है डब्बे भी तैयार करवाए जा रहे हैं जिनमें एक एक लड्डू रखाए जाएंगे। ये देखिए अब किस युद्ध स्तर पर जो है पूरी तैयारियां चल रही है और 21 से 22 तारीख के बीच में यह लड्डू अयोध्या पहुंच जाएंगे और वहां पर आने वाले राम भक्तों को महाकाल के लड्डू का स्वाद चखने को मिलेगा और जो है भगवान महाकाल का प्रसाद वहां पर बटेगा। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात करते हैं राम मंदिर को लेकर, प्रभु राम के नाम को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला लेकिन कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया। जिस पर सियासत भरपूर हो रही है, दिग्विजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह के बयान पर वार पलटवार जारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी नाराजगी जाहिर की है तो वही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारी जारी है। उधर कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया जिस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने इसे इवेंट बना दिया है। मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी इवेंट के राम मंदिर दर्शन करने जाएगा।
उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राजनेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। राम सबके हैं, ये भारत का गौरव है। नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो। और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के। लेकिन स्वीकार तो नहीं किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, स्वीकार नहीं किया। मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना सौभाग्य का विषय है, मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि जिनको आमंत्रण मिला है उन्हें तो सशरीर पहुंचना चाहिए। कांग्रेस को भी आमंत्रण मिला है लेकिन वो नहीं जा रहे, वो हमेशा से ही प्रभु राम के कार्य का विरोध करते रहे हैं। ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। राम जी के जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं, और उसके बाद राम सेतु को भी नकार दिया है। इन्होंने प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है, फिर सनातन धर्म को गालियां दी हैं। तो इनका तो मुझे लगता है कहीं किसी प्रारब्ध का कोई कण जागृत हुआ होगा जो इनको पत्रिका मिल गई। मुझे लगता है कि इनका दुर्भाग्य है जो ये नहीं पहुंच रहे हैं, और इनके मुंह से ऐसा ही प्रभु करवा भी दे। सरस्वती मैया विराजमान होती है कि तुमने इतने भी पुण्य नहीं किए कि तुम पहुंच जाओ, इसलिए बहुत अच्छा है हमारा ये कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होगा। प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य मंदिर में विराजमान होना प्रभु का, ये सनातनियों के भाग्य का है, इसलिए सनातनी वहाँ पहुँचेंगे। कांग्रेस 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, इसको लेकर कांग्रेस का अपना तर्क है। उधर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, भगवान राम के नाम पर सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि अब राम जी का समय चल रहा है और 500 साल से जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। और हमारे यहां जब मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा लगती है तो युवा प्रतिमा ही लगती है, बुजुर्ग देवता की प्रतिमा नहीं लगती, ये कहकर भी यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहते। एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। जबलपुर से साध्वी शिरोमणि बाइक से करीब 650 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं ग्वालियर के रहने वाले कार सेवक दिनेश कुशवाहा ने आंदोलन के दौरान आत्मदाह किया था, अब उनके परिवार को बुलावा नहीं मिला, इससे परिवार नाराज है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों को बुलावा आ रहा है। जबलपुर से साध्वी शिरोमणि बाइक से करीब 650 किलोमीटर की यात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगी। गौरी घाट में मां नर्मदा की पूजा करने के बाद साध्वी शिरोमणि ने अपनी सहयोगी अंजलि के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए 20 जनवरी को अयोध्या पहुँचेंगी। बजे की भैया तो ये बात है कि पूरा संसार मौज में है, मस्ती में है, मेरे रामलला टाट से उठ के ठाट में जा रहे हैं और मेरी आराध्या साठ की हुई
वात्सल मूर्ति पूज्या दीदी माँ जी, एक कवि ने उनके लिए लिखा, रामलला का मंदिर 60 में और दीदी माँ 60 में, और मैं भी 60 की हो गई, इसलिए उस उत्सव को मनाने के लिए अपनी जन्मभूमि, अपनी आराध्य भगवती माँ नर्मदा के इस निर्मल अविरल जल को लेके सरयू मैया को समर्पित करने मोटरसाइकिल से जा रही। राम मंदिर के लिए कई आंदोलन हुए जिसमें कई कार सेवकों की जान गई। ग्वालियर के रहने वाले कार सेवक दिनेश कुशवाहा ने भी आंदोलन के दौरान आत्मदाह किया था। अब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलावा नहीं आने के बाद दिनेश के परिवार ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना है कि ना तो बीजेपी ने उनकी मदद की और ना ही प्रशासन ने उनकी सुध ली और ना ही उनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला। ये चाचा थे जो कार सेवक वो आंदोलन चला था उसमें गए नहीं थे, किसी कारणवश रुक गए थे। तो जैसे वहाँ उनको मालूम पड़ा कि वो मस्जिद की कार्रवाई मंदिर की नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी राम मंदिर में। हमको बहुत खुशी है, हमारी दादी को भी बहुत खुशी है। जब शिला हुआ था तब भी उनको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। अभी पता चला है कि अयोध्या के अंदर स्मारक बनाया जा रहा है जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो बस यही है कि हमारे मामा जी का नाम भी वहाँ पर स्मारक के रूप में लिखा जाए और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ना उनके परिवार से किसी ने राम मंदिर के लिए आहुति दी थी। परिजनों की मांग है कि दिनेश कुशवाहा को शहीद का दर्जा दिया जाए और अयोध्या में बना रहे शहीद स्मारक पर उनका नाम भी अंकित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।